हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्ट्रेट बाल हर लड़की की ख्वाहिश होती है। हर लड़की चाहती है कि उसके बाल स्ट्रेट दिखे, बट सलून में जाके स्ट्रेटनिंग करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये सबके बजट में नहीं होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क शेयर करने वाली हूँ। यह हेयर मास्क आपके बालों को स्ट्रेट बनाएगा, सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल बनाएगा। और इस हेयर मास्क को बनाने में मैक्सिमम 50 रुपये का खर्चा आएगा। हाँ फ्रेंड्स, 10,000 रुपये वाली स्ट्रेटनिंग आप घर बैठे ही 50 रुपये में कर सकते हैं और 30 मिनट्स में ही इस हेयर मास्क से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। सो चलिए फटाफट से हम ये हेयर मास्क रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। चावल का आटा हमारे बालों को नेचुरली स्ट्रेट बनाता है और हमारे बालों में एक शाइन लेके आता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कोकोनट मिल्क। मैं यहाँ पर मार्केट से परचेज़ किया हुआ कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घर पर भी कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। यहाँ पर मैं डाबर होममेड ब्रांड का कोकोनट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इसका प्राइस है 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ में आपको 200 ml प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे आपको इसकी हाफ क्वांटिटी यूज़ करनी है। कोकोनट मिल्क हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन और प्रोटीन होते हैं। ये हमारे बाल डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों की ड्राइनेस को दूर करता है, स्कैल्प की ड्राइनेस को दूर करके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे बालों को स्ट्रेट बनाता है, शाइनी बनाता है, मैनेजेबल बनाता है। मैंने यहाँ पर हाफ क्वान्टिटी यूज़ की है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन सी होता है। ये हमारे बालों को स्ट्रेट बनाता है और हमारे बालों में शाइन लेके आता है। तो आपको हाफ लेमन जूस ऐड करना है और इन सबको मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये हेयर मास्क बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसमें कोकोनट मिल्क है, राइस फ्लावर है और लेमन जूस है। ये तीनों ही हमारे बालों को स्ट्रेट बनाते हैं, नेचुरली स्ट्रेट बनाते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए आपको एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब हमारा हेयर मास्क रेडी है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है। फिर मैं अपने बालों को अच्छे से पहले कॉम कर लूँगी और 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। तरीके से अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है और उसके बाद आपको ये हेयर मास्क अपने बालों में अप्लाई करना है। और जब भी आप इस हेयर मास्क को अप्लाई करें, आप याद रखना कि आपको अपने क्लीन हेयर में अप्लाई करना है इस हेयर मास्क को। ये रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है, रूट्स के साथ साथ सॉरी टिप्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरीके से ये हेयर मास्क अप्लाई करके आपको अपने बालों का एक बन बना लेना है। अब इस हेयर मास्क को मैं 30 मिनट्स तक रखूंगी, उसके बाद शैम्पू करके आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और इन्हें एयर ड्राई भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद मेरे बाल कितने ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं। फ्रेंड्स मेरे बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं, बट इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। ये हेयर मास्क बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आपको इसे वीक में 2 बार यूज़ करना है और अगर कंटिन्यू 1 मंथ तक आप इस हेयर मास्क को यूज़ करते हैं तो आपके बाल एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह ही स्ट्रेट हेयर चाहते हैं, आप भी अपने बालों को स्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो इस हेयर मास्क को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना कि इस हेयर मास्क को यूज़ करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और पास ही में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। सी यू in my next video. Bye-bye.